हेलो हेलो जी, कैसे हो आप सब। और अभी हो रहा है सुबह का टाइम, तो सबको मेरी नमस्ते, गुड मॉर्निंग। और आज मैं बना रही हूँ पोहा। पोहा बनाने के लिए मैंने पहले ही तैयारी कर ली थी, सब सामान निकाल के रख दिया था। और यहाँ पे मैंने ली कढ़ाई, कढ़ाई में मैंने डाला ऑयल। ऑयल मैं यहाँ पे थोड़ा कम ही डालूंगी, कम यूज़ करूँगी। और यहाँ पे मैं इसमें डाल दूंगी थोड़ा सिंगदाना। सिंगदाना को आपको फ्राई कर लेना है, क्योंकि कच्चा सिंगदाना नहीं खाया जाएगा। इसको आप भून लोगे तो ये थोड़ा मतलब खाने लायक हो जाएगा। और इसको निकालने के बाद आपको डाल देनी है इसमें राई, यानी कि जो लैटा होता है गांव में, इसको मेरे यहाँ लैटा बोलते हैं और यहाँ पे तो इसको राई बोल देते हैं, जो काली वाली है उसको डाल देना। उसमें डाल देना आपको करी पत्ता, और उसमें आपको डालनी है प्याज। प्याज आपको हल्की ब्राउन करने तक ही भूननी है, ज़्यादा इसको मतलब ज़्यादा डार्क ब्राउन नहीं करना, हल्का सा ब्राउन करना है। और उसके बाद जब ये ब्राउन हो जाए तो उसमें डाल देनी है हरी मिर्च। हरी मिर्च को भी थोड़ा फ्राई कर लेना है। और जब ये आपका अच्छे से फ्राई हो जाए तो इसमें आपको डालना है थोड़ा नमक और थोड़ी हल्दी, और थोड़ा इसमें आपको चीनी भी ऐड करना है आपको पोहे के हिसाब से। यहाँ पे मैंने पोहा जो भिगो के रखा था वो मेरा फूल गया था, बहुत अच्छा खिला खिला हो गया था। पोहे को सिर्फ धो के रख देना है तो फूल जाएगा, पानी में भिगो नहीं भिगोते हैं इसको, सिर्फ धो के और चन्नी में रख देते हैं। और उसके बाद मैंने अपनी कढ़ाई में डाल लिया था पोहा। और कुछ लोग क्या है कि बाद में हल्दी नमक डालते हैं, पर मैंने पहले ही डाल दिया था, क्योंकि हल्दी की मतलब स्मेल, कच्ची कच्ची स्मेल से आती, वो नहीं आनी चाहिए। और आपको डाल लेना है बाद में लेमन। तो मैंने जो लेमन डाला है वो इसलिए डाला है, जो मैंने इसमें शुगर डाली थी उसका जो है बैलेंस करने के लिए आपको लेमन डालना ज़रूरी है, खट्टा मीठा हो जाएगा। और जो मैंने फ्राई करे हुए रखे थे सिंगदाना वो मैंने इसमें डाल दिया है। तो यहाँ पे मेरा हो गया पोहा तैयार। मतलब सबसे जल्दी झटपट नाश्ता यही बनता है। और इसमें आपको डाल देना है नमकीन, नमकीन जो सेल आता है वो डालना है, पर मैंने तो घर वाला ही डाला था भाई। और उसी के साथ साथ मैंने दोपहर की भी तैयारी कर ली थी। यहाँ पे मैंने धोवा दाल उबाल के रख दी है, क्योंकि बाद में फ्राई करूँगी। और ये वाले जो चावल है ब्राउन राइस है, जो कि मैं खाऊँगी, बाकियों के लिए मैं सिंपल वाला चावल बनाऊँगी, क्योंकि मेरी चल रही है 32 बार वेट लॉस जर्नी, तो मैं ब्राउन राइस खाती हूँ। तो मैं दोपहर की तैयारी करके रख लेती हूँ नाश्ते के साथ में ही, क्योंकि खाना नहीं करने देता। क्या बेटा, आप क्या कर रहे हो? खाना नाश्ता कर लिया था। क्या करोगे? इससे जूस पियोगे? कैसे? जूस पिया। जूस कैसे पीते हैं? जूस दिखा। काना जूस पी रहा है इस वाली लीड को लगा के, मतलब इसका दिमाग देखो। ये काना का सीपर है, और सीप ले लो, मैं लगा तू लो। काना ने जो ये लगाया, ये काना इससे जूस पी रहा है, तो पानी पी रहा है इससे। है काना, ये पानी जा रहा है मुँह में? काना अपना दिमाग बहुत ज़्यादा लगाता है, है? हाँ बताओ, इधर खड़े होकर बताओ क्या कर रहे हो। यहाँ खड़े होकर बताओ क्या कर रहे हो। काना जूस, जूस पी रहा हो। वो पानी को जूस बोलता है। कैसे पिया जूस? इसके थ्रू। अच्छा, यहाँ से जूस आ रहा है, इसी पर में से जूस आ रहा है यहाँ है। तो वो काना का दिमाग खूब चलता है। जूस क्या बोलता है राम जाना। हाँ जूस आ रहा है बेटा, मैं समझ रही थी। तो इतना मतलब कुछ ना कुछ उसके दिमाग में चलते ही रहता है, और हमेशा कुछ ना कुछ करता ही रहता है नया। ठीक है, पी लिया, बस खम करो अब। तो गाइस, काफ़ी टाइम बाद आज काना कुछ बेटर है पहले से, क्योंकि उसको आज फीवर भी नहीं आया। और करीबन 11 दिन काना को ही तबीयत को हो गए थे ख़राब होते, तो मतलब आज सब कुछ अच्छा लग रहा था। तो काना भी काफ़ी टाइम से घर से बाहर नहीं निकला था, तो हमने सोचा काना को भी घुमा देंगे। और आज हम लोग भी घर से बाहर निकले हैं, तो थोड़ा खाना खा के आएंगे। मतलब आज पहली बार हम लोग जहाँ जा रहे हैं, मैं आपको दिखाती हूँ। तो आज हम लोग जा रहे हैं काठियावाड़ी खाना खाने। मतलब मैंने 9 साल में अभी तक मैंने ये खाना नहीं खाया था, क्योंकि हम लोगों की इसकी आदत नहीं है। मतलब मीठा खाना होता है और हम लोग तीखा खाते हैं, तो पर मैं आपको दिखाऊंगी कि यहाँ का खाना कैसा होता है काठियावाड़ी। तो जो मेरी टेबल है वो अभी खाना नहीं आया, सिर्फ इस पर सैलेड और अचार, और यहाँ पर केला साथ में रखा है, छाछ रखी है, और ये पूरी थाली जो है काठियावाड़ी है।
इसमें आपको 5 तरह की सब्जियां मिल जाएंगी, और बाजरे की रोटी है, और भाकरी है, और चपाती है। मतलब ये पूरा खाना आपको सब टेबल पे यही खाना मिलेगा, और अनलिमिटेड खाना कितना भी खा सकते हो। और प्राइस मतलब फिक्स है सबका, एक थाली का खाना आप जितना खा सकते हो उतना खाओ। और इसमें गुड़, ये नमकीन, मतलब पूरा मीठा खाना होता है ये सब। पहली क्या खाना है? खाना आइसक्रीम खाना है। कौन सा वाला लेना है? जी वाला आइसक्रीम लेना है। अभी दिलवाएंगे बेटा। हाँ देखो अपना क्या। तो गाइज हम लोगों ने खाना खाने के बाद पलक्स के लिए पैक कराया खाना, क्योंकि वो हम लोगों के साथ में नहीं आया था। और गाइज ये था मेरा छोटा सा ब्लॉग, आई होप आपको पसंद आएगा। पसंद आए तो लाइक कीजिए, और मेरे चैनल पे नए हो तो सब्सक्राइब करके ज़रूर जाइएगा। और मैं मिलती हूँ आपको अपने नेक्स्ट ब्लॉग में, तब तक के लिए स्टे सेफ, स्टे हेल्दी। बाय बाय, गुड नाइट।